हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक के बॉटल से और उसके कैप से कुछ ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी। तो देखिए, सबसे छोटी वाली बिसलेरी की जो पानी की बॉटल आती है वो यहाँ मैंने ले रखी है, तो सबसे छोटी वाली है। आप आगे चल के आप जब ऑर्गेनाइज़र देख लोगे तो आप डिसाइड खुद कर लेना कि आपको कितनी बड़ी चाहिए। इससे बड़ा रखना है तो आप इससे बड़ी वाली बॉटल ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बॉटल को डेकोरेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने पास थोड़ा सा पुराना ऊन है, तो मैं फेविकॉल के हेल्प से इसको डेकोरेट कर दूँगी। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको ऊन से, गोटा पट्टी से, रोप से या कपड़े से, किसी तरह से भी आप इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। गाइज, ये देखिए, यहाँ मैं ऊन का यूज़ कर रही हूँ और ये दो कलर मैंने इसमें लगाया हुआ है इस तरह से। और इसी तरह से पूरा कवर इसको नेक तक कर देना है बॉटल की। तो ये देखिए, मैंने ऊन से पूरा इसको ऊपर तक नेक तक कवर कर दिया है। अब इसको कैप बनाएंगे हम। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, एक कैंडल मैंने जला रखी है और मैंने प्लकर की हेल्प से बॉटल के कैप को पकड़ रखा है। और यहाँ पे मेरे पास एक नुकीला सा टूल है, तो कोई भी नुकीला सा इस तरह का ले लें, और ना हो तो स्क्रू आप नुकीला वाला ले सकते हो, बड़ा वाला, या फिर आप जूड़े वाली पिन भी ले सकते हो, वो भी नुकीली होती है। तो बॉटल के कैप को इस तरह से हीट करना है, उसके जो ऊपर वाला सिरा है उस पर। जैसे ये हीट होगा, हमें इस तरह से नोकीली वाली जो चीज़ है उसको इन करना है, हल्के हल्के से, पूरा बाहर तक नहीं निकालना है। जैसे ही हल्के हल्के इन करेंगे, इसका नोज़ल जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 2 सेकंड के बाद हमें इसको ठंडे पानी में डाल देना है। तो ये मैंने देखिए, मैंने इस तरह से किया हुआ है और इस तरह से इसका नोज़ल बनकर निकल आया है इस तरह से। बाकी ये जो कालापन है इसको हम वॉश कर देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस पर ये लगा लिया है। और ये नोज़ल जो बनाई है उस पर आप अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिए कि आपको कितना बड़ा इसमें होल चाहिए। और इसमें मैंने पानी फिल करा है, तो ये देखिए, ये पानी इस तरह से कुछ बाहर आएगा नोज़ल बनने के बाद। तो किचन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें इस तरह के ऑयल कंटेनर की ज़रूरत होती है, तो आप चाहो तो इस तरह का ऑयल कंटेनर बना के किचन में रख सकते हैं तवे पे डायरेक्ट डालने के लिए ऑयल। या फिर आप कोई DIY कर रहे हो तो उस अपने बाल के लिए कोई ऑयल बनाया है आपने, या फिर स्किन के लिए कुछ इस तरह का लिक्विड बनाया है, तो भी आप इसमें इस तरह से रख करके आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हो, इसको और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। तो ये देखिए, नोज़ल वाली बॉटल बन के तैयार है, जो ऑयल कंटेनर मार्केट में मिलती है उसी तरह से आप बना सकते हो इसको। तो ये था मेरा पहला DIY जो जीरो कॉस्ट पर था। सेकेंड चीज़ बनाने के लिए मैंने अगेन यहाँ पर बॉटल लिया हुआ है, एक मीडियम साइज़ की। इसको हम देखिए, नीचे से मैंने करीब 3 से 4 इंच दे करके हमें इसको कटर की हेल्प से कट कर लेना है। तो सबसे पहले मार्क कर लीजिए सर्कल में और उसी पर कटर का यूज़ करते हुए इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दो पीस में मैंने निकाल के रख दिया इसको। अब ये वाला जो पीस है उसमें से भी हम बीच वाला पार्ट अलग करेंगे, क्योंकि बीच वाले पार्ट का हमें काम नहीं है। तो उसको भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे मार्कर से, और सीज़र या कटर की हेल्प से इसको भी आप अलग कर दीजिए काट के। इस तरह से देखिए, गोल में इसको हमें कट करना है। और ये देखिए, ये दो पीस बन के अब निकल आया है। यहाँ जो नीचे वाला बॉटम है इसका, ऊपर वाले सिरे के हिसाब से हमें इसको मार्क कर लेना है, इससे थोड़ा बड़ा ही हम रखेंगे। और इसकी गोलाई दे करके हम इसको वहाँ का एरिया कट कर देंगे उतना। ये बॉटल बॉटम का है एरिया, जो बॉटल की बॉटम थी उसका है ये। तो ये देखिए, ये होल मैंने कट कर दिया है। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, इसकी थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे, तो वी शेप में इस तरह से जिगजैग वाला शेप में मैं कट कर दे रही हूँ इसको ऊपर नीचे।
इस तरह से कट करके इसको निकाल देंगे। इतना देखो कुछ इस तरह से। अब ये होल जो हमने बनाया है उस होल को हम ज्वाइन करेंगे दूसरे वाले पार्ट में। तो देखिए इस तरह से हमें ज्वाइन करना है होल में से। बॉटल का माउथ एरिया निकालना है, तो यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इस तरह से अंदर बिठाना है बॉटल को और इस तरह से चिपका देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये आएगा, स्टैंड बन के रेडी होगा। और नीचे जो बॉटल का हम माउथ निकला हुआ है उसमें हम कैप फिट कर देंगे इस तरह से, तो वो होल भी बंद हो जाएगा। ये इस तरह से कुछ बनेगा। और ये ऊपर वाला भी हमें कटिंग करना है जिगजैग या जैसा भी आप मनचाहा शेप दे करके इसको कट कर सकते हो। इसको काट के निकाल देंगे इस तरह से पूरा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से काट के मैंने निकाल दिया है ऊपर का शेप भी। अब ये बन के हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। तो यहाँ पे गाइस देखिए मैंने इसको इसमें बहुत सारे स्पून जो हैं होल्ड करके रखे हैं। तो आप चाहो तो अपने डाइनिंग टेबल पे इस तरह से बना के रख सकते हो। आप चाहो तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हो किसी तरह के रिबन से या फिर गोटा पट्टी से, ऊन से। तो ये मेन पर्पज़ इसका स्पून होल्डर है, लेकिन मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी आप बना सकते हो इसको। यहाँ पे अगेन मैं दो बॉटल ले रही हूँ, और जो छोटी वाली पेप्सी की बॉटल आती है सबसे छोटी वाली उसका इस्तेमाल यहाँ करना है। तो यहाँ पे जो नेक एरिया है वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। देखिए एकदम नेक एरिया पर ही निशान लगाना है और इसकी कटिंग करनी है फिर हमें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कट करके मैंने निकाल दिया है इसको। ये दोनों पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का जो प्लास्टिक बाउल आता है घर में अक्सर इसमें खाना वगैरह के लिए आता है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो इस तरह से रख के और उसको हम सर्कल काट लेंगे उसकी बॉटम से। उसका बॉटम निकाल के हम अपनी बॉटल में बॉटम लगाएंगे, इसीलिए इसमें से हम निकालेंगे कट करके। तो कटर की हेल्प से इसको सर्कल में कट कर लीजिए। ये देखिए अभी हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे आपस में। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन का हेल्प ले करके इसको ज्वाइन करने वाली हूँ। और ये वाला जो पीस है उसको हम अच्छे से इसमें ज्वाइन करेंगे। ये देखिए मैंने कर दिया इसको ज्वाइंट अच्छे से। और इसी तरह से दूसरी वाली पीस भी हम कर लेंगे। ये बैठ गया दोनों, और ये दोनों छोटी छोटी हमारी बॉटल्स बन के रेडी हैं। इसका मल्टी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। अभी आप चाहो और ये जो इस कॉर्नर पे नीचे निकल रखा है थोड़ा सा बॉटम, उसको हम कैची से बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने ऊन का इस्तेमाल करते हुए इसको डेकोरेट कर दिया है इस तरह से। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, नहीं तो प्लेन भी आप रख सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा छोटा स्टोन लगाया है, और जो मैंने इनकी कैप्स थी उस पर मैंने होल बना दिए हैं। ये देखिए आप चाहो तो तीन चार होल्स कर सकते हो साइड साइड में, मैंने सिंगल किया है। और इसमें आप चाहो तो नमक और काली मिर्च पीसी हुई, जो काली मिर्च रखनी होती है छोटे छोटे बॉटल्स में सॉसर, उसमें हम बना करके इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से बहुत इजीली। या फिर आप इस छोटे छोटे बॉटल्स का बहुत काम कर सकते हो, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें
जो छोटी छोटी होती हैं वो आप रख सकते हो, किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस ये छोटी छोटी बॉटल हमारी बनके रेडी है, इसको आप मल्टी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और मल्टी तरीके से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने 3 तरह के आपको ऑर्गेनाइज़र बताए हैं जो बिल्कुल कोई भी पैसा लगाए बिना आप बना सकते हैं बहुत आराम से। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब अगर नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और कौन सा DIY आपको पसंद आया है। बिल्कुल 0 कॉस्ट पे ये बना हुआ है तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में मिलूँगी जल्दी ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।